गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो लेकर आया हूँ मैं तो हिमाचल हिमालयन घरवाल यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन किस तरह देखना है बोल के मैंने एक वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ मैं। पहले हम लोग जो भी यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन चेक करते वक्त पहले से हम लोग देखना पड़ेगा वो UGC से अप्रूव है या नहीं। देखिए अभी बहुत से सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे कर रहे हैं कि जो फेक वेबसाइट बना के वो ऑनलाइन में अपलोड कर देता है वो, लेकिन हम लोग इसी तरह नहीं। कभी भी जो भी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है इसी तरह से आप लोग चेक करना है ऑनलाइन पे, ठीक है। अभी मैं आपको सीधे सा मैं UGC वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ठीक है। इसे पहले खुला है और UGC वेबसाइट में जाने के बाद सीधा इसमें जो यूनिवर्सिटी का नाम है हिमालयन घरवाल यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड का है ये, ठीक है ना। उत्तराखंड में हमें देखना है। यहाँ पर लिंक खोलने के बाद यूनिवर्सिटीज पर जाकर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर जाना पड़ेगा। उसी में जो उत्तराखंड का जो लिस्ट रहता है, जो यूनिवर्सिटी के पूरे स्टेट वाइज लिस्ट रहता है, उसी लिस्ट में उत्तराखंड में जाना है। उत्तराखंड में जाने के बाद यहाँ सारे यूनिवर्सिटीज रहते हैं, हम लोगों को देखना है। यह हम पर भगवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, देवभूमि, देव संस्कृत, DIT यूनिवर्सिटी, इस तरह का। यहाँ पर हिमालय यूनिवर्सिटी बोल के ये नहीं हमको देखना पड़ेगा। यहाँ देखना है हम लोगों को महाराजा अग्रसेन हिमालयन घरवाल यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वेबसाइट पे लिखा है जो UGC ने जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ने ये वेबसाइट बना के वो अपलोड कर देते, उसी वेबसाइट पे हम लोगों को चेक करना है। जैसा जो भी यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन करना है इसी तरह कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, खुल गया ले ऐसा खुलेगा जो हिमालयन घरवाल का यूनिवर्सिटी, इस तरह खुलेगा। उसके बाद जो हम लोगों को जाना है ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्टूडेंट कॉर्नर को चेक करना है, तो बंदा सही है या नहीं ये बोल के, आई मीन यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट फेक है या ओरिजिनल है। अभी हम लोगों को स्टूडेंट कॉर्नर पे जाना ही पड़ेगा। देखिए भाई, इससे पहले मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने से कुछ आपको नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। चले ऐसे खुलेगा जो स्टूडेंट रिजल्ट जो है महाराजन एदर्सन हिमालयन घरवाल यूनिवर्सिटी रिजल्ट मैनेजमेंट। जैसा यहाँ पर हिमालयन घरवाल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर महाराजा एग्रसेन हिमालय बोलता आ रहा है, तो इसी ने यूनिवर्सिटी वालों ने थोड़ा नाम चेंज करके डाल दिया है। तो हम लोगों को ऑनलाइन चेक करना है। इसका सेशन क्या है, कभी भी सेशन चेक करना है इस यूनिवर्सिटी का, 6th semester का चेक करना है। तो यहाँ क्या है, ये 5th है और यहाँ पर 6th है। देखिए यह 6th यूनिवर्सिटी है, इसका सेशन आके 2020 और 2021, ठीक है। सेशन आके 2021 तो फाइनल ईयर के लेते हैं हम लोग, उसके सेमेस्टर रह के 6th semester डालना पड़ेगा। एंटर एनरोलमेंट नंबर, एंटर एनरोलमेंट नंबर बोले तो यहाँ पर यार ये रहेगा कि 2052, ठीक है ना। ये मैं हाइड कर देता हूँ इसको, तो बंदा को ये फील होगा प्रॉब्लम नहीं हो, फेस कर सकता है। उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पर एंटर रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसका डेट ऑफ बर्थ आके एक मिनट लाइन में भी मैं इसका डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ। 10/6/1999 डेट 10 है और मंथ सिक्स है और ईयर आके 1999, 1999, ठीक है भाई। तो इसके हिसाब से तो यहाँ पर सेशन है आके रोल नंबर डाल दिए थे हम लोग, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिए। इसके बाद हम सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना भाई। देखिए उसका पास बोल के आया हुआ है, उसका डिटेल्स भी आया हुआ है, तरह हम लोगों को हर यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन इस तरह करना है। जो भी यूनिवर्सिटी है जो भी हम कंप्लीट कर दिए थे, ये थोड़े लोग यानी कि बहुत से यूनिवर्सिटीज ऐसे फेक वेबसाइट बना के
तो यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी, ये दूसरे जो फेक करने वाले जो फ्रॉड है वो लोग क्या करेंगे, वो वेबसाइट क्रिएट करके खुद को बना देते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं। लेकिन जो भी वेब सर्टिफिकेट हम लोगों को वेरीफाई करना है, पहले यूजीसी में जाना है, यूजीसी में जाने के बाद हम वेरीफाई करना है, यहाँ से रिजल्ट चेक करना है। कभी भी याद कर लीजिए, जो भी आप लोग करने के बाद सर्टिफिकेट का कोर्स यूजीसी के जरिए से हम लोग जाके चेक करना पड़ेगा। स्टेट अगर स्टेट है, स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है तो सेंट्रल है, और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोल दो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। तो हम लोग उसी तरह से यहाँ पर जाकर उत्तराखंड में गए थे, ऐसे ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इस तरह का जो वेबसाइट का लिस्ट रहता है, स्टेट का लिस्ट रहता है, स्टेट का लिस्ट देखने के बाद उसमें उत्तराखंड में जाना है, यूपी में है तो यूपी में जाना है, उत्तराखंड में जाने के बाद इसी तरह हम लोग चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर तू इसी वेबसाइट पे, यूजीसी वेबसाइट पे जो वेबसाइट रहेगा वही जेन्यून है, वही जेन्यून है, वही वो अप्रूव है। अगर मान लो यहाँ पर वेबसाइट ये है और दूसरे वेबसाइट में ऑनलाइन दे दिया तो पक्का फेक है, 100% फेक। तो संभल के रहिए फ्रॉड से, इसी तरह जैसा मैंने आपको बोला है उसी तरह से आप लोग कर सकते, ठीक है ना भाई। धन्यवाद। फिर जाने से पहले थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।